अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज हम ऐसे ही बस बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे नूडल्स खाने के लिए, तो हमने सोचा चले हम नूडल्स बनाते हैं, तो आप लोगों से शेयर भी कर देते हैं। और अम्मी आज हमारी गैर हाजिर हैं क्योंकि हमारी नानी की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, और इसलिए वो उनके पास गई हुई हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब नानी के लिए दुआ करें और अम्मी के लिए जो है वो, क्योंकि अम्मी है नहीं इसलिए उनके लिए भी दुआ करें कि अम्मी जो हैं वो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं और हमें फिर न्यू डिशेस बनाना सिखाएं। तो मेरी बहुत प्यारी नंद और मेरी बहन, मेरी दोस्त जो है वो बहुत अच्छी चाय बनाती है नूडल्स भी बनाती हूँ। और नूडल्स भी बनाती है, तो मैंने सोचा कि भाई आज जो है सारा से बोला जाए कि हम मुझे चाय अच्छी सी पिला दे और नूडल्स भी बना के बच्चों को खिला दिए जाए। तो हम देख, वैसे नूडल्स बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हम हाँ आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करेंगे। तो बिल्कुल 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 ये हमने पहले जो नूडल्स लिए हुए हम ये पानी में डाल देंगे। सही। जन्नत की पुरजोर फरमाइश पे नूडल्स बन रहे हैं। और ये हमारे चाय के कप भी बिल्कुल तैयार रखे हुए साथ हैं, साथ हमने चाय भी चूल्हे पर रखी हुई है ताकि चाय भी रखी हुई है। ये देखें आप चूल्हे पे, यहाँ चाय बनेगी हमारी। और ये सारा इसमें चाय की पत्ती डाल रही है जो कि बहुत अच्छी चाय बनाती है ये। आधे लोग हमारे घर के सो चुके हैं और ये नूडल्स पार्टी जारी है। वैसे तो ये हर घर में होता है, आधी रात में उठ के नूडल्स पार्टी हो ही जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसमें मसाले ऐड डाल देंगे। ये हमने जो नूडल्स मंगाए थे उसी के मसाले हैं, हमारे घर के कुछ भी नहीं क्योंकि वो हमारी अम्मा ही डालती हैं। सही सही। वैसे मेरी भाभी को मेरे हाथ की हर चीज पसंद है, नूडल्स भी पसंद है। हाँ ये बात तो है वाकई। मैं थोड़ा पानी ना इसमें ज्यादा रखती हूँ, काफी देर तक पकाती हूँ ताकि अच्छे से नूडल्स जो होते हैं ना वो बॉयल हो जाते हैं। मतलब मेरे जो नूडल्स है वो 2 मिनट वाले नहीं है। और आप इसी पानी को सबको खुश भी कर लेती हैं ना इसी हाँ में। बिल्कुल, लाइट पानी रहने देती हूँ तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। और हमारी चाय भी समझो रेडी होने पे ही है। अच्छा, इसमें एक जो हम मसाला ऐड करेंगे वो सरप्राइज है हाँ वो बड़े मजे का और मसाला बहुत है वैसे। मज़े का स्पाइस है और वो बहुत अच्छा जो है वो सरप्राइज है कि आप इसमें डाल भी सकते हैं। अच्छा भाभी, हमें ना इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी डालेंगे। ये चिली सही। सॉस है ना, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं सही डालेंगे, है सही है। आप हल्का सा बना सिर्फ लें। जायका आ जाए। ओके ओके। हाँ आप लोग भी नूडल्स मंगा के कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लिया करें, मजे के बनते हैं सब। ये एडिशन सारा की अपनी रेसिपी है। और ये अम्मार और जन्नत दोनों जो है वो
नूडल्स पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं बैठे हुए। अभी सजाने का क्या टाइम मिलेगा जन्नत, बैठे बैठे तो पार्टी बनी है। अमर आप क्या कर रहे हैं, थोड़े से महफिल के खिलाफ थोड़ा जरा हाय हेलो करें, सलाम करते हैं, तमीज नहीं सिखाई। अमर साहब बिल्कुल ऐसे रेडी हुए हैं जैसे कि अभी इनका रिश्ता है। वो ही इंसान है जिस किसी को वो मिले कॉन्टेक्ट कर लेना, बस समझ जाए। और ये सामने हमारे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं और हमजा भी सो रहा है, हमजा को अभी उठा ही नहीं है, हमजा को पता ही नहीं है नूडल्स पार्टी चल रही है। और अम्मी आएंगी तो फिर मेरी और सारे की खैर नहीं है। आज हमजा अपने ताया अबू के घर गया था, खूब थक कर आया है, इसने सारा एंजॉय वहीं कर लिया है। अभी ये सुबह उठेगा तो फिर ये तो ये फिर बोलेगा कि क्यों मुझे नहीं उठाया आप लोगों ने, तो वीडियो देखेगा ना। और जन्नत का दांत चूहा ले गया, चला गया। देखो ये देखो देखो देखो, दिखा 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 दिखा, चूहा ले गया। अभी जन्नत एक और दांत चूहा लेके जाने वाला है। इकबाल जन्नत के दांत चूहा लेके जाएगा और हूर को दे देगा। हाँ, जन्नत का दांत चूहा ले गया, अब हूर को दे जाएगा। और अम्मार आपको कैसा लग रहा है हमारे घर में आकर बताइए, मतलब आप जो आज आए हैं दोबारा से तिबारा से, उसे क्यों आए हमारे घर आज का बताओ ना कि आज कैसा लग रहा है आपको आज। तो आज हम आपकी नूडल्स पार्टी भी करा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये सब पहले कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चाय की शक्ल हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितनी अच्छी और ज़बरदस्त चाय बन रही है और खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है। और ये चाय मैंने स्पेशल अपनी भाभी के लिए बनाई है, सारा की हाथ की चाय। हो और ये नूडल्स भाजी का तो पानी ही नहीं खत्म हो रहा। और ये पानी जो है जब तक खुश्क नहीं होगा तब तक सारा हमें खाने को नहीं देगी, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तभी ये मिलेंगे खाने को। ये जन्नत खेल रही है और हमारी जन्नत ऐसे टिकटॉक भी बहुत अच्छी बनाती है। हम आपसे शेयर करेंगे जन्नत की वीडियोस। और हमारे हूर बाबा सो रही है और हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं, अगर वो होती तो वो आपको मस्ती करके दिखाती ना, आप लोग का दिल खुश हो जाता। वो सो गई है क्योंकि उसकी तबीयत भी आजकल ऐसी चल रही है ना। आप सब दुआ करें हमारी हूर भी जल्दी से ठीक हो जाए। तो है ना हमारे घर का जो बच्चा है वो बच्चा ये ऐसा है कि इसे अगर हम नींद से उठाते ना तो करीब जाके दिखाते हैं, तो ये एक घंटे तक तो सिर्फ रोता है। ये सो रहा है, उठाएंगे ना तो ये एक घंटे तक सिर्फ रोता है। ये बात हमको समझ नहीं आती रोता क्यों है, बस ये रोता है। मोबाइल से निकल जा, मोबाइल से निकल जा। और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मेरी पुप्पू की बेटी की शादी है तो हम लोग आपको वो भी शेयर करेंगे, हर इवेंट जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ की वीडियोस बनाएंगे, अच्छी अच्छी रस्में दिखाएंगे जो हमारे यहाँ की रस्में हैं, जो दूल्हा वालों के यहाँ की रस्में हैं। अम्मा डांस अम्मा करेगा, माशाल्लाह अम्मा वैसे डांस बहुत अच्छा कर लेता है, हर स्टाइल में जो स्टाइल में कहो हम डांस कर लेते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है। हमारा एक दफा हो जाए वैसे ये जिस तरह बैठा हुआ है ना हमारा अम्मा, ये बिल्कुल समझो ऐसा नहीं है। भाभी से तो कोई शर्म नहीं है ना, दोस्तों वाला माहौल है ये, समझो हम वीडियो बना रहे ना तो ये इतना संजीदा बन रहा है, बाकी आप इसे आके हमारे घर में देखें तो पता चलेगा ये देखे है। दोबारा नूडल्स की तरफ आ गए हैं हम, सारा ये कब बनेंगे ये तो अल्लाह को पता, चूल्हे को पता, मैं खुद हैरान हूँ बनी मुझे, लेकिन जब भी बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे, बस पानी खुश्क हो जाए ना।
और भाई हमारे है ना वीडियोस को आप लोग लाइक क्या करें, लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो, कितनी बुरी बात है ना। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। बहुत सारे सब लोग हर कोई लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे 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 या बुरे जो भी है कमेंट्स तो करें कम से कम। हाँ वरना कटी हो जाऊंगी मैं। आपको अच्छे लगते हैं, हम तो अच्छे करें, जो भी लगते हैं करें भाई। अगर बुरा है, कुछ गलत लगता है, बुरा लगता है वो भी बताएं ताकि हम उसे ठीक करें। और यहाँ चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है चाय का, वाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस नूडल्स भी रेडी हैं, 5 मिनट लगेंगे इसे करूँ। हाँ चले, चाय हमारी रेडी हो चुकी है और नूडल्स भी बिल्कुल रेडी रेडी पे हैं। नूडल्स भी रेडी हो चुके हैं, जबरदस्त क्या चाय बनाई है सारा। थैंक यू। चले जी हमारे नूडल्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर डालेंगे, भाभी डालें। ये जो सरप्राइज था ना, ये देखें, ये है जैपनीज स्पाइस। ये हमने जापान से मंगवाया नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये है वाकई जैपनीज स्पाइस। सही है। और चाय भी देखें कितनी मजे की है, बहुत किसको पीनी है और नूडल्स खाने आ जाओ। चले जी अब हम खाते हैं और मैं तो अपने लिए बनाऊंगी जामशीरी भाई, क्योंकि मैं तो चाय नहीं पीती ना। चले तो आप बनाएं जामशीरी और चले आगे फिर बताते हैं हम आपको। चले जी तो हमारा दस्तरखान लग चुका है, देख सकते हैं आप, ये मेरा है जामशीरी और ये भाभी अम्मा की चाय है, नूडल्स की चाय है। और ये बिरयानी मेरी बहन के घर से आई थी आज, उसके घर कुंडों की नियाज थी और साथ में उनके ससुर की बरसी भी थी, तो बिरयानी बनवाई थी तो वो उसके घर से आई हुई है, जो कि अम्मा शरीफ खाएंगे। क्यों वो के बंगाली मेरा बच्चा ये हमारा छोटा सा भाई है, ये हमारा छोटा सा भाई, देखो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, देखो देखो चलो जल्दी खा के दिखाओ कैसे खाते हैं, चलो खाओ। चले आ गया आ जाओ ना, ये चुपक गया चलो थोड़ा थोड़ा हो जाता कोई बात। मेरे काम में ना थोड़े घर में ना उल्टे ही होते हैं, ये मैं देखे कुछ कर चुकी हूँ यहाँ पर, भाभी बताओ मैंने क्या करा है। गरम ट्रे जो है वो काफी मैं मेद ये हमारे सबसे छोटी सबसे नटखट है, हमें जब तक कुछ उल्टा नहीं करते तब मजा नहीं आता। जल्लू जल्लू खा के बताओ ना, चलो बेटा खाओ। जल्लू खा रही हो, खा लो ना बेटा ही। शुरुआत जन्नत से हो रही है, कोशिश करो कोशिश करो, अपने थोड़ी चाइनीज से खा खा के खाना आएगा। जल्लू गर्म में फूंक मार कर खाना, अच्छा हमें ना थोड़े दिनों में जब हमारे थोड़े और कजन आएंगे ना हमारे घर, तो हम फिर फूड चैलेंज करेंगे। क्या मतलब? खाना खिलाएंगे कौन सबसे ज्यादा खाता है, सही है, तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हाँ और जैसे एक तो अम्मार माशाल्लाह हो गया और एक इमाद हो गया, इमाद हो गया, उबैद हो गया, हुमैर हो गया, अली अकबर हो गया, नुमान हो गया, हाँ मेरे ताया के बेटे भी हैं वो भी हमारे भाई हैं, जैसे इंशाल्लाह वो आएंगे तो हम बताएंगे आपको दिखाएंगे सबको। जल्दी हो गया, चले भाई जन्नत ने तो ये चैलेंज पूरा कर लिया, वाज क्लैपिंग होनी चाहिए ना अम्मार, अम्मार क्लैपिंग। चले जी अपना बहुत सारा रखेगा,
और दुआ में याद रखिएगा, हमारी नानी के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चले चले जन्नत, क्या करना है चैनल को? कमेंट करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।